नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय जिला यमुनानगर के आज़ाद नगर के चिट्टा मंदिर रोड पर, जहां पर बताया जा रहा है कि यहां पर अभी अभी 15 से 20 लोग जो है हमला करने यहां पर पहुंचे थे, और विशाल शर्मा के दफ्तर और बताया जा रहा है साथ लगते ही शर्मा मेडिकल हॉल, जो उनके पिताजी की दुकान है, उस पर भी जो है काफ़ी हमला किया गया। एक बार बातचीत जरूर जान लेते हैं क्या कुछ कहते हैं। जैसे कृष नाम का लड़का जिसको हमने देखा, उसका पिताजी नाल थे और 25-30 लड़के थे, हाथ में रिवॉल्वर थे, जितना होना हमारे ऊपर रोड मारी है, बाहर गोलियां चलाई हैं, और कुदरती हम भाग गया, वो हमने पत्थर शीशियां मारी हैं, तो फिर शटर बंद किया है, उन्होंने शटर बंद नहीं होने दिता, फिर हमने जोर ने शटर बंद किया, इसे गाड़ियां ग्रोज करके हमला करके जान से मारने की आए हैं, बाहर गोलियां दे बिजाई हुई गोली ऊपर को गई है, हमारे ऊपर गोली नहीं लगी, तो चोट लगी है सर, विशाल को चोट लगी। विशाल कौन है सर? जो पीसफुल कमेटी का मेंबर है। अच्छा, तो आपके आपके क्या लगते हैं? मेरा बेटा ही। तो किस लिए हुआ, कोई जानकारी आपको? जानकारी ये थी, 19 तारीख को एक समैकिया लड़का था, मेरी दुकान से पैसे की लेने वास्ते आया था, पहले ने कहा था 50 रुपये टुटे दे दो, टुटे ले लेते बच्चा पैसे में दे दो, मैं भी 10 रुपये का नकली नोट है, आप वो कदम जल्द जाओ, इन्हें कहना था आप मुझे मंथली दोगे या नहीं दोगे, नहीं तो मैं आपको देख लूँगा। उसकी शिकायत मैं रामपुरा चौकी मनोज कुमार को दी, वो मनोज कुमार का साथी था, वो स्मैक भेजता चौकी इंचार्ज जो स्मैक खुद पका रहा है यादनगर में, तो विशाल जो बेटा है वो पीसफुल कमेटी का मेंबर है, उसने कहा भी मारे ये बोलता है, इस पर कल चौकी में कल हमारी दुकान से उसने हमला किया, इसने भेजा था चौकी इंचार्ज मनोज कुमार ने, नशेड़ी नाई था उन्हें हमला किया, बेटे ने तू तू मैं अपना जहाँ बैठा था, कल नहीं चोट आज चोट लगी है। हाँ हाँ जी, BJP की महामंत्री है, उसका लड़का है, क्या नाम है उसका? कृष्ण कुमार, कृष्णा के देव, कृष्ण कुमार पटना के, हाँ वो BJP की महिला मंडल की प्रधान है या जनरल सेक्रेटरी, हमें इस चीज का नहीं पता लगा BJP का है, उसका लड़का है। तो कितने राउंड फायर हुए यहाँ पे? 3-4 हुए हैं, तो सड़े पाक पाक गोली चली आई है सन फटाफट, वो मारते हमला किया उन्होंने, 25-30 लड़के थे, मेरा मोटर एक दो के मोटर जहाँ छोड़ गए मोटे, उनकी दो खड़ियां ऐसे मिल गई हैं। मेरा नाम आरके शर्मा, पूर्व पार्षद आजाद है, फिर तो तमकी देखे गया था, मैं आपको देखूंगा। तो फिलहाल आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष है उसके बेटे पर जो है इनके पिता द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से जो है तोड़ाफोड़ी हुई है, और उसके बाद फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं कैसे जो है यहाँ पर दफ्तर भी विशाल शर्मा के ऑफिस के भी किस तरीके से तोड़फोड़ यहाँ पर की हुई है, और अंदर की अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो शीशों पर काफ़ी वार किए गए हैं, और बताया जा रहा है दो मोटरसाइकिल भी वो यहीं पर ही छोड़ गए। तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को इस वीडियो को देख रहे हैं लगातार शेयर जरूर करते रहिएगा, फिलहाल CCTV कैमरे जरूर चेक करने का प्रयास किया जा रहा है। तो फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं, अंदर CCTV कैमरे की फोटेज जरूर चेक की जा रही है, और BJP महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष है उनके बेटे पर जो है गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके द्वारा जो है हमला यहां पर कराया गया। फिलहाल देख सकते हैं विशाल शर्मा को भी जो चोटें बताई जा रही हैं, और एक बार बातचीत जरूर कर लेते हैं क्या कुछ कहते हैं उनके भाई यहाँ पर बैठे हुए, क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। क्या नाम है सर? मेरा नाम विकास शर्मा है। क्या बात हुई सर? ऐसा है, 19 तारीख की बात मैटर, यहाँ से 19 तारीख को ना ये एक लड़का है कृष्ण भटनागर, ठीक है जी, और उसने यहाँ पे स्मैक बेचता है, तो वो स्मैक बेचता है, तो एक दिन 19 तारीख को आके पापा के साथ बदतमीजी करके चले गया, वो हफ्ता के टाइप से इस तरीके से बोल के गया कि हमें हफ्ता दो, पापा ने वापस भेज दिया कि भाई चले जाए, यहाँ पे आस पड़ोस लोगों ने भी उसको समझाया कि ऐसे ऐसे करके कि ऐसे ऐसे करके वापस भेज दिया उसको, इतनी देर में पापा ने वो बदतमीजी गाली जाते जाते गाली गलौज करके गया, तो पापा ने उसकी कंप्लेंट 19 तारीख को ही चौकी में रामपुरा चौकी में करवा दी थी, तो हफ्ते तक हमारी कोई इंक्वायरी नहीं हो रही थी, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, बल्कि जो वहाँ का इंचार्ज है मनोज कुमार हमारे पे प्रेशर डलवा रहा था, 3-4 बार से प्रेशर डलवाया, अगर नहीं करोगे तो धमकी हम करवा देंगे, उल्टा वो हो जाएगा। तो उसके बाद आज हमने सुनवाई ना करने के बोले, कल हमारे पे उन्होंने क्या नाम है जो पार्टी, दूसरी वाली पार्टी कृष्ण भटनागर, उसके माता पिता को मनोज कुमार जी ने हमारे यहाँ भेज दिया, और यहाँ आके उन्होंने गाली गलौज हत्थापाई सब कुछ करनी स्टार्ट कर दी।
उसके बाद हम जब वहाँ पे थाने पे गए, ये चौकी में गए, तो उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी, बल्कि वहाँ पे भी हमारे को धमका धमकू के वापस भेज दिया। उसके बाद आज और रात के टाइम हमारे पास क्या नाम है, दोबारा 30-40 लड़के आए हथियार होती हुए लेके। हमने दोबारा चौकी इंचार्ज को फ़ोन किया, आए तो यहाँ पे वो देख के चले गए, कहते चलो ठीक है कोई बात नहीं, करते हैं कुछ करते हैं। आज सुबह हम एसपी साहब पे गए थे कि ऐसे ऐसे करके हमारे साथ कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमने कंप्लेंट करी हुई थी यहाँ पे ये, क्योंकि मनोज कुमार उनसे हफ्ता लेता है, क्योंकि वो यही बोल के गया है कि मेरे मनोज कुमार मेरा चौकीदार कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें पता नहीं है हम कौन है। और इस करके वो हमने आज एसपी साहब को ये वर्डिंग दी, एसपी साहब ने हमारे को सुनवाई की, मार्क जो जो हमारी जो कंप्लेंट है वो डीएसपी साहब को कहा था कि हम आपकी सुनवाई करवा देते हैं, इंक्वायरी करवा देते हैं। उसके बाद आज हम आराम से बैठे हुए थे, शाम को सारे बैठे हुए थे दफ्तर में, मैं अभी तो जो विशाल था ये और उसके कुछ यार दोस्त हम ऊपर आराम से बैठे हुए थे, ये ऊपर गए हुए थे बैठे हुए थे। और उसके बाद मैं, मेरे पिताजी और साथ में दो और भैया थे हमारे जो हमारे ऑफिस मेडिकल स्टोर में बैठे हुए थे, जैसे ही आए एकदम ही 50-100 लड़के आए, अटैक गंडासिया लेके अंदर आए, गोलियां से स्टार्ट कर दी। इतने में हम डर के मारे फटाफट शटर बंद कर दिया, उसके बाद हम नीचे फटाफट दब गए। उसके बाद उन्होंने ऊपर से, जब मेरे को बाद में पता लगा कि ऊपर से उनके उन्होंने यहाँ से फायरिंग करी उनके ऊपर, वो नीचे बैठे रहे बचे रहे, उसके बाद ये हमारे तोड़ फोड़ करके बाद। आपके आपके सामने भी कोई फायरिंग हुई है? हमारे सामने, मेरे सामने कोई अभी फायरिंग नहीं, पर गोलियों की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। हमला हुआ हम, मेरे भाई और हमारे पे हमला हुआ था, हमारे पे तो रोडों से अटैक किया था, अंदर तक आ गए थे मेडिकल स्टोर में। हमने अपनी जान बचा के कैसे भी करके मैं अपना शटर डाउन कर लिया, और इतने में उन्होंने फायरिंग को हमारे ब्रदर और उन पे कर दी। भाई आपने नशा, एक्चुअली वो नशा मुक्ति अभियान से लगा, काफी बंदों को उसने सुधार मंडल में भी भेजा हुआ है, तो ये जितने भी नशा बेचते हैं ना वो उसके खिलाफ हो गए। पहले भी कई बार हमारे पे धमकियां दी गई हैं, हट जाओ तुम इस चीज से ये वो, और हमने ये एक्चुअली हमारा जो चौकी इंचार्ज था वो इसमें मिला हुआ था मनोज कुमार, उसने भी कहा कि इस चीज से हट जाओ आप। और जो मेन मुद्दा कि हमने, हमसे ये आपसे यही है गुजारिश, हमारी सुनवाई करवाई जाए और हमारे को जितना भी इसको सुनवा। आपके भाई पे हमला हुआ है तो उनके पास भी कोई हथियार है? नहीं, उनके पास कोई हथियार नहीं है। कितने चोट आई है उनके? यहाँ पे साइड कान के साइड में काफी चोट लगी है, अभी उनको मेडिकल कराने के लिए। चोटें मेरे ख्याल से अभी पता कर, भाई के तो लगी है और साथ उनके साथ एक और दोस्त उनको लगी है चोट। एक तरफ सरकार बोलती है नशा खत्म किया जा रहा है, नशा खत्म किया, मेरे ख्याल से तो सरकार ही करवा रही है, उनका प्रशासन ही करवा रहा है। अगर ऐसा अगर नशा मुक्ति केंद्र अभियान में अगर मेरा भाई जुड़ा हुआ था, ऐसे अच्छे समाज के लिए कार्य कर रहा था, तो उसके ऊपर आज अटैक होने की क्या जरूरत थी? तो आपको क्या लगता है पुलिस मिली हुई है? ये सारा काम पुलिस चौकी रामपुरा ने करवाया है, अगर ऐसा होता तो कल ही हमारी सुनवाई करता और यहाँ पे हमारा मसला हल हो जाता, तो आज ये नौबत ही ना आती। इतने बड़े सर यहाँ उन्होंने गोली चलाई, शुक्र है मतलब परमात्मा का कि उन्होंने गोली हमारी लगी नहीं। फिलहाल आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, विशाल शर्मा है पीछे, जिनको चोटें बताई जा रही हैं उनको आई है, और लगातार पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि पुलिस जो है वो मिली हुई है। और उसके बाद देख सकते हैं दुकान पर काफ़ी कुछ यहां पर जो है हमला हुआ, उसके बाद पुलिस बहरहाल यहां पर मौके पर पहुंची है, और मोटरसाइकिल भी दो यहां पर छोड़ गए हैं। और देख सकते हैं फिलहाल CCTV जो चेक किया जा रहा है, उसके बाद देखना होगा क्या कुछ। तो फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरें, अंदर CCTV कैमरे की फुटेज भी जो है चेक की जा रही है, क्या कुछ निकल कर CCTV में से आ रहा है एक बार जरूर जान लेते हैं। फिलहाल देख सकते हैं आप काफ़ी भीड़ लगी हुई है अंदर, फिलहाल CCTV फोटेज भी देख ली गई है, एक बार जरूर देखने का प्रयास जरूर करते हैं क्या कुछ। एक्टिवा भी देख सकते हैं यहाँ पर पड़ी हुई है। फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये जो हमला हुआ था उसके बाद किस तरीके से लोग अज्ञात लोगों द्वारा जो है तोड़फोड़ यहां पर की जा रही है, किस तरीके से एकदम ताबड़तोड़ जो है इस पर हमला किया। और उसके बाद देख सकते हैं ये रहे विशाल शर्मा जो बाहर निकले हैं, उसके बाद देख सकते हैं एकदम से ताबड़तोड़ जो है हमला किया गया, और बताया जा रहा है कि फायरिंग भी हुई थी। माइक थले फिलहाल देख सकते हैं, ये CCTV की हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जिसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो यहां पर हमला जो हुआ है, और उसके बाद जो है पुलिस बहरहाल यहां पर मौके पर पहुंची हुई है, और एक्टिवा भी यहां पर है, जो किस तरीके से शर्मा मेडिकल हॉल पर भी, ये विशाल शर्मा के पिताजी की दुकान है, और लगातार
जो है बीजेपी महिला मोर्चा के बेटे पर जो है गंभीर आरोप जो लगाती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। फिलहाल मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को इस वीडियो को देख रहे हैं, लगातार शेयर जरूर करते रहिएगा। किस तरीके से जो है हमला यहां पर किया गया कुछ लोगों द्वारा, आपने सीसीटीवी फोटोज भी देखी, कुछ लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और एकदम से डंडे बिंडों के साथ जो है ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। मेरी सभी से अपील, जो भी इस वीडियो को इस खबर को देख रहे हैं, लगातार शेयर जरूर करते रहिएगा। क्या कुछ कहते हैं रामपुरा चौकी इंचार्ज इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि उनके ऊपर भी गंभीर आरोप लगते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आपने तस्वीरें देखी, क्योंकि यहाँ पर रामपुरा चौकी इंचार्ज कहीं नज़र नहीं आ रहे, तो फिलहाल SHO से एक बार जरूर बात करेंगे थाने में जाकर, क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। पुलिस बहरहाल यहाँ पर मौके पर पहुंची है, छानबीन करते हुए नज़र आ रही है। उन लड़कों का जो है पता लगाया जा रहा है, कौन वो युवक थे जिन्होंने मुँह बांध कर आए और मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए और एकदम से ताबड़तोड़ जो है हमला कर दिया। सर एक विवाद हुआ है चिट्टा मंदिर रोड पर, क्या पूरा मामला? चिट्टा मंदिर पे विशाल नाम एक युवक की दुकान है, जहाँ पे कुछ लड़के बाइक पे आए थे और लाठी डंडे उनके हाथ में थे और उन्होंने वहाँ हमला कर दिया है। जिस बात पे मैं मौके पे पहुँचा और विशाल को मेडिकल करवाने के लिए भेज दिया गया, जो कंप्लेंट वो देंगे तुरंत कार्रवाई कर दी जाएगी। नशे से लेकर कुछ मामला सर पूरा, जो भी बात सामने आएगी कार्रवाई की जाएगी। विशाल शर्मा जो काफी समय से एसपी साहब की मुहिम थी नशा मुक्ति, उसमें भी काफी बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे थे, इसी विषय इसलिए मुद्दे को लेकर हर चीज की तस्दीक की जा रही है। वहाँ जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं उनको पूरे छानबीन की जा रही है, जो भी लड़के होंगे उनकी शिनाख्त करके तुरंत अरेस्ट किया जाएगा। विशाल के भाई द्वारा रामपुरा चौकी इंचार्ज पर आरोप भी लगे हैं उनके ऊपर कि वो इनसे मिले हुए नशा तस्कर, इस तरीके की बात? देखिए जो भी बात होगी, किसी भी तरीके की बात सामने जाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो सर हमला कितने लोग हैं? अभी सीसीटीवी कैमरा देखे जा रहे हैं, जितने भी हमलावर होंगे जैसे सबकी शिनाख्त की जाएगी और अरेस्ट किया जाएगा। तो सर फिलहाल क्या कार्रवाई की जाएगी? मेडिकल करवाया जा रहा है, उनकी कंप्लेंट ली जाएगी और तुरंत कार्रवाई की जाएगी।